सवाल नंबर एक, मच्छर काटने वाले जगह पर खुजली क्यों होती है? सवाल नंबर दो, मच्छर किस ब्लड ग्रुप वाले लोगों को ज़्यादा काटता है? सवाल नंबर तीन, मच्छरों के काटने पर घरेलू उपाय क्या कर सकता है? सवाल नंबर चार, बियर पीने वाले लोगों को मच्छर ज़्यादा क्यों काटता है? सवाल नंबर पाँच, बच्चों के मुकाबले बड़े को मच्छर ज़्यादा क्यों काटता है? सवाल नंबर छः, मच्छर काटने के निशान को दूर करने के लिए क्या करें? सवाल नंबर सात, मच्छर कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? सवाल नंबर आठ, किस तरह के मच्छरों से ज़्यादा खतरा होता है? सवाल नंबर नौ, दिन के समय मच्छर क्यों नहीं काटते हो? सवाल नंबर दस, सबसे ज़्यादा मच्छर कौन से देश में पाए जाते हैं? सवाल नंबर एक, मच्छर काटने वाली जगह पर खुजली क्यों होती है? दरअसल शरीर मच्छर के जाल को ऐसे केमिकल की तरह लेता है जो शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है, यह शरीर के लिए विष का काम करता है। शरीर का इम्यून सिस्टम इसे तुरंत बाहर निकालने का फैसला करता है। इसके लिए इम्यून सिस्टम का एक संकेत दिमाग को जाता है जिससे तुरंत शरीर में केमिकल रिएक्शन होता है और मच्छर के काटने वाली जगह पर खुजली होने लगती है। सवाल नंबर दो, मच्छर किस ब्लड ग्रुप वाले लोगों को ज़्यादा काटते हैं? दरअसल मच्छरों के सूंघने की क्षमता इतनी तीव्र होती है कि वह 50 मीटर की दूरी से भी चीज़ों को सूंघ लेते हैं। आपने अपनी माँ, दादी या नानी से सुना होगा कि मीठे खून वाले को मच्छर ज़्यादा काटते हैं। यह बात सही हो सकती है क्योंकि एक स्टडी के अनुसार ओ ब्लड ग्रुप के लोगों की तरफ मच्छर सामान्य लोगों की तुलना में ज़्यादा आकर्षित होते हैं। दूसरे नंबर पर बारी आती है ए ब्लड ग्रुप वाले लोगों की। यह दोनों ही ब्लड ग्रुप मच्छरों के लिए किसी चुंबक की तरह काम करते हैं। सवाल नंबर तीन, बच्चों के मुकाबले बड़ों को मच्छर ज़्यादा क्यों काटते हैं? दरअसल मच्छर हर तरह के कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति आकर्षित होता है। बड़े उम्र के लोग अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यही वजह है कि बच्चों के मुकाबले बड़ों को ज़्यादा मच्छर काटता है। कुछ इसी तरह की परिस्थिति गर्भवती महिलाओं के साथ ही होती है क्योंकि जब कोई महिला गर्भवती होती है तो वह सामान्य दिनों की तुलना में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं और इसलिए गर्भावस्था के दौरान उसे ज़्यादा मच्छर काटते हैं। सवाल नंबर चार, बियर पीने वाले लोगों को मच्छर ज़्यादा क्यों काटते हैं? दरअसल मच्छरों को बियर पीने वाले लोगों का खून भी काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए या तो इसे पीने से बचें या पार्टी में तेज़ चलने वाले पंखों का इंतजाम रखें। मच्छर हवा के तेज़ बहाव में उड़ान भरने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए हवा पार्टी और मच्छरों के बीच एक बैरियर के रूप में काम कर सकती है। सवाल नंबर पाँच, मच्छर कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं? दरअसल अगर मच्छरों की ज़िंदगी की बात करें तो मच्छर 2 महीने से ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाते हैं। वही मादा मच्छर नर मच्छर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा दिनों तक जीता है। अगर नर मच्छरों की लाइफ के बारे में बात करें तो दिन ही वह जीवित रह पाते हैं और मादा मच्छर 6 से 8 हफ्तों तक जिंदा रहता है। दरअसल मादा मच्छर हर 3 महीने में अंडे देते हैं और मादा मच्छर करीब 2 महीने तक जीवित रह सकते हैं। सवाल नंबर छः, मच्छर काटने के निशान को दूर करने के लिए क्या करें? दरअसल अगर मच्छर के काटने से चकत्ते बन गए हैं तो उस जगह पर नींबू का छिलका लगाएं, इससे आपके चकत्ते के निशान गायब हो जाएंगे, खुजली भी नहीं होगी। इसके अलावा मच्छर के काटने से बनने वाले चकत्ते के निशान पर प्याज का टुकड़ा लगाएं, इससे निशान दूर हो जाएंगे और खुजली भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अतिरिक्त बेकिंग सोडा में पानी मिलाकर पहले से ही घोल बना लें, जब भी मच्छर काटे तो काटे वाले स्थान पर लगा लें, इससे चकत्ते के निशान दूर हो जाएंगे और खुजली भी कम हो जाएगी। सवाल नंबर सात, किस तरह के मच्छरों से ज़्यादा खतरा होता है? अगर इंसानों को सबसे ज़्यादा खतरा है तो वह मादा मच्छरों से, क्योंकि मादा मच्छर ही इंसान का खून चूसते हैं। वही नर मच्छर तो पेड़ पौधे के रस से काम चला लेते हैं। मादा मच्छरों को अंडे देने के लिए खून की आवश्यकता होती है और एक मच्छर 500 से अधिक अंडे देता है। हम आपको बता दें कि डेंगू जैसी गंभीर बीमारियां भी मादा मच्छरों को काटने से होती हैं। गौरतलब है कि दुनिया भर में मच्छरों की करीब 3,500 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर नस्लें इंसानों को बिल्कुल परेशान नहीं करती हैं। यह वो मच्छर हैं जो सिर्फ फलों और पेड़ों के रस पर जिंदा रहते हैं। सवाल नंबर आठ, दिन के समय मच्छर क्यों नहीं काटते हैं? दरअसल रात के समय मच्छर ज़्यादा एक्टिव होते हैं और यही वो समय है जब बच्चों को मच्छरों से ज़्यादा खतरा रहता है। दिन में सूरज की रोशनी मच्छरों को मार सकती है, लेकिन इसलिए वह शाम होने के बाद एक्टिव रहते हैं। मच्छर ठंडी जगहों पर होते हैं और शाम होते ही बाहर निकलते हैं। रात में भी मच्छर काटते हैं और सुबह होने से पहले ही मच्छर भाग जाते हैं। सिर्फ डेंगू फैलाने वाला एडीज मच्छर ही उन मच्छरों में से एक है जो दिन में काटते हैं। सवाल नंबर नौ, सबसे ज़्यादा मच्छर कौन से देश में पाए जाते हैं? दरअसल दुनिया भर में मच्छरों की 3,000 से अधिक प्रजातियां हैं जो विभिन्न जलवायु और मौसम की अनुकूल स्थिति में पैदा होती हैं।
हम आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा मच्छर थाईलैंड, ब्राज़ील, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में पाए जाते हैं। सवाल नंबर 10, मच्छरों के काटने पर घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं? दर्शक कई तरह के उपाय कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, बर्फ़ लगा सकते हैं। ठंडा तापमान सूजन को कम करने में मदद करता है। बर्फ़ को सीधे अपनी त्वचा पर न लगाएं, इसके बजाय एक आइस पैक का उपयोग करें और इसे प्रभावित क्षेत्र पर 10 से 15 मिनट के लिए धीरे से लगाएं। आप अपनी त्वचा और बर्फ़ के बीच एक वॉश क्लॉथ जैसे बैरियर भी लगा सकते हैं, ताकि आप बर्फ़ को काटने पर अधिक समय तक छोड़ सकें। नंबर 2, एलोवेरा का उपयोग कर सकते हैं। एलोवेरा एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। यह खुजली और सूजन को कम करता है और तेज़ी से उपचार में सहायता करता है। यह सनबर्न का भी एक अच्छा इलाज है। पौधे की सख्त त्वचा को छीनकर उसका जेल निकाल लें। लगभग 10 से 15 मिनट के लिए जेल को ठंडा करें और फिर इसे अपनी त्वचा पर रगड़ें। नंबर 3, नींबू का रस लगा सकते हैं। नींबू अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के लिए जाना जाता है। वह सूजन और दर्द को कम करने में मदद करता है। बस एक नींबू को काटकर प्रभावित जगह पर लगाएं। आप नींबू के रस और कुचली हुई तुलसी का पेस्ट भी बना सकते हैं और इसे सुखदायक प्रभाव के लिए लगा सकते हैं। आप पुदीने की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह अपने कूलिंग सेंसेशन के लिए जाने जाते हैं। नंबर 4, प्याज या लहसुन लगाना चाहिए। यह सूजन को कम करने और खुजली को शांत करने में मदद करते हैं। इसके अलावा तेज़ सुगंध कीड़े और मच्छरों को दूर रख सकती है। कीमा बनाया हुआ प्याज या लहसुन प्रभावित जगह पर लगाएं, इसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दें और फिर धो लें। नंबर 6, नमक का उपयोग कर सकते हैं। नमक मच्छर के काटने का एक आसान उपाय है। यह अपने एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण मददगार है। पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर प्रभावित जगह पर लगाएं। दूसरा विकल्प लहसुन नमक मसाला, नमक और पानी को बराबर मात्रा में मिलाकर पेस्ट बनाना है। इस पेस्ट को प्रभावित जगह पर लगाएं। नंबर 7, शहद का उपयोग करना चाहिए। मच्छरों के काटने वाली जगह पर थोड़ा सा शहद लगाएं। शहद में जीवाणु रोगी गुण होते हैं और इसलिए यह काटने को संक्रमण होने से रोक सकता है। कच्चे शहद का उपयोग करना सबसे अच्छा है। खुजली वाली जगह पर कच्चे शहद की एक छोटी बूंद सूजन को कम कर सकती है। इसके अलावा यह आपके खुजली के प्रलोभन को कम करेगा, क्योंकि शहद से ढकी त्वचा की खुजली एक चिपचिपी गंदगी पैदा कर सकती है।